कैसे अपने अपनी गोटी फिट की जा रही है उसके बारे में जरा हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले आपको इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। एमपी छत्तीसगढ़ में उपचुनाव की जंग, तेज हुए आरोप प्रत्यारोप के दौर, नामांकन रैली में हो रहा शक्ति प्रदर्शन, दिखाया जा रहा किसमें कितना है दम। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही राज्यों में उपचुनाव का दंगल शुरू हो गया है। मध्य प्रदेश के विजयपुर और बुधनी तो छत्तीसगढ़ के रायपुर दक्षिण सीट पर 13 नवंबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग होनी है। उपचुनाव के इस दंगल में विजयपुर से रामनिवास रावत बीजेपी उम्मीदवार हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से मुकेश मल्होत्रा मैदान में है। प्रत्याशियों के नामांकन दाखिल करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। विजयपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान सीएम मोहन यादव भी उनके साथ रहे। रामनिवास रावत के नामांकन में शामिल विशाल जनसमूह को देखकर सीएम मोहन यादव ने जीत की ताल ठोक दी है। आज चुनाव के समय केवल फार्म भरने में, अरे समुद्र की तरह आप उपस्थित हो, कितना बड़ा सैलाब है, अपने आप के लिए ताली बजाओ। विजयपुर का कोई क्षेत्र कोई घर खाली नहीं है, इतनी बड़ी संख्या में आज आप उपस्थित हो। सही कहा माननीय नरेंद्र सिंह जी ने, इतनी बड़ी सभा कभी देखी नहीं, लेकिन ये सभा केवल सभा नहीं है, ये संकल्प है विजय का। इधर बुधनी विधानसभा में भी उपचुनाव की जंग तेज हो गई है। बुधनी सीट पर बीजेपी के रमाकांत भार्गव और राजकुमार पटेल के बीच टक्कर है। कांग्रेस का दावा है कि उन्होंने कर्मठ कार्यकर्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है जो बीजेपी को टक्कर देगा। एक कर्मठ जांबाज कार्यकर्ता राजकुमार पटेल जी हमारे कैंडिडेट हैं। उनकी जितने चुनाव के पैरामीटर वहां इस वक्त फिट है, बढ़िया चुनाव लड़ेंगे। क्षेत्रीय जनता उनके साथ है, क्षेत्रीय भावना उनके साथ है, और सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी में एक अंतर्कलह हो गई है। छत्तीसगढ़ की एकमात्र रायपुर दक्षिण सीट पर भी बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर है। रायपुर दक्षिण सीट से बीजेपी के सुनील सोनी और कांग्रेस के आकाश शर्मा चुनावी अखाड़े में हैं। सुनील सोनी की जीत को लेकर यहां के पूर्व विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल आश्वस्त हैं। उन्हें भरोसा है कि उनके काम और डबल इंजन की सरकार के नाम पर बीजेपी जीत हासिल करेगी। ब्रिजमोहन ने जो काम किए हैं उन कामों की रक्षा करना और दक्षिण विधानसभा को उससे भी ज्यादा तेज गति से विकसित करना, इस काम को अगर कोई पूरा करेगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में भी बीजेपी की सरकार है, अब छत्तीसगढ़ सरकार से भी पैसे आएंगे, और क्योंकि ब्रिजमोहन सांसद बन गया तो केंद्र सरकार से भी पैसे आएंगे। इधर रायपुर दक्षिण में बीजेपी उम्मीदवार सुनील सोनी को कांग्रेस उम्मीदवार आकाश शर्मा टक्कर दे रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को शक्ति प्रदर्शन कर अपना नामांकन किया है। उनके नामांकन रैली में प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने ब्रिजमोहन अग्रवाल के दावों पर तंज कसा है। एक भी उदाहरण बता दो भाई, महापौर रहे, सांसद रहे, 35 साल से वो चेहरा पीटा हुआ चेहरा लगातार, एक बार ब्रिजमोहन तो दूसरे बार सुनील सोनी, अब सुनील सोनी, पहले उसे सांसद बनाए, उसके बाद फिर इसको सांसद बना दिए, तो अल्टी पल्टी चल रहा है, जनता इससे उब चुकी है, वही चेहरा देख देख के। इन सियासी दावों आरोपों और प्रत्यारोपों के बीच बीजेपी और कांग्रेस के बागी नेता दोनों दलों के सियासी समीकरण बिगाड़ सकते हैं। दरअसल दोनों दलों को अंदरूनी असंतोष का सामना करना पड़ रहा है। दोनों दलों में टिकट बंटवारे को लेकर नेताओं में नाराजगी देखी जा रही है। जाहिर है इसका चुनावी परिणामों पर असर पड़ सकता है। अब देखना होगा कि अपनी अपनी जीत के दावों के बीच दोनों दल बागी और नाराज नेताओं को कैसे साधते हैं। टीम न्यूज़ स्टेट।
तो अपनी अपनी ताल ठोकी जा रही है। और देखिए उपचुनाव का जो दंगल है वो बहुत बड़ा दंगल बन चुका है, क्योंकि उपचुनाव में पूरा जोर लगाया जा रहा है और ऐसा नजर भी नहीं आ रहा कि ये महज एक दो सीट पर उपचुनाव है, बल्कि पूरी तरीके से ये एक अहम की लड़ाई भी बन चुकी है और पूरी तरीके से परसेप्शन सेट करने की कोशिश हो रही है। और पूरा जोर जो शीर्ष नेतृत्व है वो भी दोनों दलों का लगा रहा है। बुधनी की सीट भी एक तरीके से बहुत ज्यादा अहम है, तो वहीं विजयपुर की सीट भी काफी अहम और छत्तीसगढ़ की जो रायपुर दक्षिण सीट है उस पर भी सभी नेता जोर लगा रहे हैं। लेकिन क्या कुछ बगावत भी हो रही है? स्थानीय नेताओं की नाराजगी की बात जो चर्चा में चल रही है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना इससे फर्क पड़ सकता है, जरा इस पर हम बातचीत करते हैं। बातचीत के लिए खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया, उनसे आपका परिचय करा दें। तीन खास मेहमान इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी मौजूद हैं। सत्यप्रकाश सर, बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा मेरे साथ बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता योगेश गुप्ता जी मौजूद हैं। योगेश जी, आपका बहुत स्वागत है। और कांग्रेस की तरफ से पक्ष रखने के लिए कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा देवांगन मेरे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर शिल्पा, आपका भी बहुत स्वागत है। आप दोनों के पास आऊं उससे पहले सत्यप्रकाश सर, मैं आपके पास आना चाह रहा हूं कि जोर तो पूरा लगाया जा रहा है, आमतौर पर कई बार होता है कि उपचुनाव होते हैं उसमें बहुत ज्यादा शोर नहीं दिखता है, बहुत ज्यादा उत्साह नहीं दिखता है, लेकिन आज जो विजयपुर में दिखाई दिया या इससे पहले अगर हम छत्तीसगढ़ में देख लें तो कांग्रेस ने पूरा शक्ति प्रदर्शन किया, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा जोर है, बहुत ज्यादा शोर है। लेकिन इन जोर और शोर के बीच कुछ बगावती तेवर भी हैं। तीनों ही सीट पर दोनों ही दलों के अंदर कुछ नाराजगी की भी बातें हैं, इसको कैसे देखिए सर? और नाराजगी कितनी है, सिर्फ चर्चाओं में है या वाकई जमीन पर है भी? देखिए, जब भी कोई व्यक्ति किसी भी चुनाव में जाता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और वो चुनाव जीतने के लिए ही जाता है। जबकि मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़, दोनों राज्यों की अगर बात करते हैं तो यहाँ के जो पॉलिटिक्स का मॉडल है वो बाइपोलर है, तो मुख्य टक्कर तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। भले ही बगावत हो सकती है, नो डाउट, पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट इस चुनाव में बगावती डाल पाए, दोनों तीनों चुनाव। अब देखिए, अगर हम मध्य प्रदेश के विजयपुर से शुरुआत करते हैं, विजयपुर में भारतीय जनता पार्टी ने आज जो शक्ति प्रदर्शन किया है उसके पीछे कहीं ना कहीं ये नजर जरूर आता है कि वहां पर रामनिवास रावत की अपनी इंडिविजुअल पकड़ और भारतीय जनता पार्टी का कैडर, ये कहीं ना कहीं दोनों अगर मिल जाते हैं तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां मजबूत नजर दिखाई देगी। लेकिन कांग्रेस ने एक स्ट्रेटजिक स्टेप लिया है कि वहां अराउंड 50,000 to 60,000 जो आदिवासी वोट है, वो भी शहरी आदिवासी वोट है, जो पहले भी मेरे ख्याल से कांग्रेस को नहीं मिलता था, यानी वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता था, उसको कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने का बड़ा प्रयास कांग्रेस ने उसी कम्युनिटी के मुकेश मल्होत्रा को टिकट देकर किया है। ठीक है, अब अगर हम बुधनी की तरफ चलते हैं तो बुधनी में देखिए, बुधनी जो स्ट्रांग होल्ड वाली सीट मानी जाती रही है वो शिवराज सिंह, देश का राजनीति का बड़ा चेहरा, लेकिन मुख्यमंत्री मोहन यादव का जिस प्रकार से बढ़ना जो दिख रहा है, चाहे वो लोकसभा चुनाव में हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की, या एक उगे बाईपुल में हो, साथ ही उनका परफॉर्मेंस हरियाणा के इलेक्शंस में भी देखा गया, तो इस चीज को ये माना जा सकता है कि बीजेपी वहां पर दो लीडर शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री मोहन यादव, ये दोनों ताकत तो लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन बीजेपी का जो वहां कैडर है वो भी अपनी पूरी ताकत से काम कर रहा है। लेकिन उस सीट पर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वहां बीजेपी कांग्रेस ने भी एक कास्ट इक्वेशन को कहीं ना कहीं, या कास्ट इंजीनियरिंग या ये कहें सोशल इंजीनियरिंग पर काम किया है, तो वहां उन्होंने जो डोमिनेंस रखती है जो कम्युनिटी, यानी कि किरार कम्युनिटी, उससे ही एक कैंडिडेट को टिकट दिया है, तो वो कहीं ना कहीं जो शिवराज सिंह की जीत का एक बड़ा फैक्टर माने जाते रहे हैं उस वोट को खींच लेंगे। क्योंकि आपको एक चीज बताएं कि अगर वो वोट स्प्लिट नहीं हुआ तो कांग्रेस वहां मजबूत दिखेगी, लेकिन शिवराज सिंह जी का अपना प्रभाव है, उनकी साख का विषय है, जो बीजेपी ने कैंडिडेट उतारे हैं वो कहीं ना कहीं उनके क्लोज एसोसिएट है, ऐसे में टक्कर वहां इंटरेस्टिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन रायपुर सीट पर भी अगर चर्चा करते हैं तो रायपुर सीट में देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं, वो ब्रजमोहन अग्रवाल का अपना गढ़ है, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली छत्तीसगढ़ रहे हो या अनडिवाइडेड मध्य प्रदेश के वो मेंबर रहे हो, पुराने सीनियर लीडर है,
देखिए उन्होंने जिस प्रकार से प्रेस के सामने जो चीज कही है उससे तो ये जाहिर होता है कि उन्होंने अपनी साथ, उन्होंने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल अगर वहां है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो दिल्ली का पैसा है, अगर राज्य की सरकार है, यानी कि राज्य की जो पॉलिसीज हैं, दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, उन पॉलिसीज को फोकस करते हुए और सेंट्रल गवर्नमेंट यानी डबल इंजन की सरकार का जो दावा है उस दावे के तहत भारतीय जनता पार्टी अपने आप को वहां स्ट्रांग मान रही है। लेकिन कांग्रेस का अपना छत्तीसगढ़ में वजूद है, उस वजूद के कारण कांग्रेस को कितना साथ मिलता है। लेकिन इस ये चीज जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ देश के अंदर दो ऐसे राज्य हैं जो बड़ा मजबूत गढ़ माने जाते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने देखा पिछले लोकसभा चुनाव में ये आपने गढ़ के बारे में बताया, लेकिन मैं थोड़ा सा नाराजगी भी ये समझना चाह रहा हूं, क्योंकि ऐसे तो दावेदार बहुत से थे दोनों ही दलों में। जाहिर सी बात है चाहे विजयपुर सीट में रामनिवास रावत को प्रत्याशी बनाया गया, तो जो पिछली बार रामनिवास रावत के सामने बीजेपी के कैंडिडेट थे उन्होंने पहले ही खुला चैलेंज दे दिया था सीट के लिए, दावेदारी कर दी थी, हालांकि उसको बाद में सेट किया गया, ये बात भी थी। लेकिन इधर कांग्रेस के खेमे में भी दिक्कतें दिख रही हैं। अब देखिए अगर विजयपुर की बात करें तो सबलगढ़ विधानसभा से पूर्व विधायक हैं बैजनाथ कुशवाहा, उन्होंने भी फॉर्म भी भर दिया है, ये किस बात की तैयारी है। दूसरी तरफ प्रमोद दुबे हैं, वो ट्वीट करके कल लिखते हैं कि ना पाने की चिंता है ना खोने का डर है, जिंदगी का सफर अब सुहाना सफर है, वो रायपुर दक्षिण सीट के लिए लिख रहे हैं। तो ये नाराजगी क्या अंदर खाने नुकसान नहीं पहुंचाएगी? देखिए विजयपुर का एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, विजयपुर में देखिए तीन जो कम्युनिटीज हैं रावत, सहरिया आदिवासी और कुशवाहा डोमिनेटिंग सिचुएशन में है, तो कुशवाहा का वोट जो कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों की तरफ जाता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के टारगेट पर है, तो उस कम्युनिटी से भले ही बैजनाथ कुशवाहा यहां आए हो या उन्होंने फॉर्म भर दिया हो, पर मेरा यह मानना है कि वहां ये वोट उनकी तरफ ना जाती है, क्योंकि एक कम्युनिटी के आधार पर कोई भी पॉलिटिकल आउटफिट वहां चुनाव नहीं जीत सकता जब तक कलेक्टिव नहीं, एक तरफ मल्होत्रा साहब पहले से ही आधिकारिक उनके प्रत्याशी हैं, वो अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के एक पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा भी हैं मैदान में। हालांकि हमारी बातचीत हुई हमारे सहयोगी विनोद शर्मा से, उन्होंने जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हमने इंदौर और राजगढ़ की स्थिति देखी थी, वहां पर जो माफ कीजिएगा खंडवा की, अगर कोई ऐसी कंडीशन होती है तो मैं आधिकारिक प्रत्याशी हो जाऊंगा। ठीक है सर, मैं आता हूं जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। योजेश जी मैं आपके पास आना चाह रहा हूं, कितने आश्वस्त हैं आज विजयपुर में जो दिखाई दिया उसको लेकर के, या फिर बुधनी और इधर रायपुर दक्षिण की सीट को लेकर के, और कितना डर भी है, कुछ नाराजगियां भी देखने को मिल रही है अंदर खाने, कुछ बातें आ रही है, एकजुटता कितनी है और कितना डर? देखिए साहू जी, विजयपुर सीट को लेकर भारतीय जनता पार्टी का जो आज जन जागरण अभियान शुरू हुआ नामांकन रैली के दौरान, वो अपने आप में यह साबित करता है कि विजयपुर की जनता मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी को अपना जन आशीर्वाद देने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है, इसका कार्यकर्ता बूथ स्तर तक जब पूरी कर्मठता और कर्तव्य परायणता के साथ संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप काम करता है तो निश्चित रूप से परिणाम अनुकूल ही होते। तो विजयपुर सीट पे पिछले हफ्ते में डॉक्टर मोहन यादव जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री, पिछले हफ्ते जो करोड़ों रुपए की सौगात देकर गए, अगर मैं उसका उल्लेख करूं तो शायद समय कम पड़ेगा, लेकिन उन योजनाओं को निश्चित रूप से वहां की जनताओं को लाभ मिलेगा और वहां की जनताओं को जो सौगात हमारे मुख्यमंत्री देकर आए। नहीं लेकिन योजेश जी आपको लगता नहीं, अगर विजयपुर की ही बात कर रहे हैं तो विजयपुर में वहां की जनता जो है वो पार्टी से ज्यादा क्या चेहरे को तवज्जो देती है? क्योंकि इससे पहले तो हमने देखा है कि वो कमल को ना चुन करके हाथ को चुनती रही, लेकिन जो अभी तक हाथ के साथ थे वो अब कमल के साथ है। देखिए इसके उलट आप ये भी कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो प्रत्याशी है वो कमल के साथ थे, अभाव के साथ है, तो मैं वही बात कह रहा हूं। लेकिन क्या आपको लगता नहीं कि उपचुनाव में भी जो जनता है वो कमल ना देख करके हाथ की तरफ जाएगी, वो चेहरे को ना देख करके पार्टी के सिंबल को देखेगी? यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन है और जो जन कल्याण से लेकर गरीब कल्याण तक की माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी की योजनाएं धरातल पर चल रही है,
हम उन योजनाओं के माध्यम से निश्चित रूप से विजयपुर की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। नहीं तो इधर इधर बुधनी में क्या कीजिएगा, राजकुमार पटेल साहब भी बहुत ज्यादा जो है वो सशक्त उम्मीदवार माने जा रहे हैं, रमाकांत भार्गव साहब वहां पर हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कहा जा रहा है कि राजकुमार पटेल को हल्के में नहीं ले सकते। देखिए साहू जी, राजकुमार पटेल जी के बारे में ये कहना कहीं अतिशयोक्ति नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी में ऊर्जावान कार्यकर्ताओं का यह दुर्भाग्य कि जब अच्छा। भी टिकट वितरण की बारी आती है तो कोई ना कोई दरबारी सामने आता है। नहीं तो इधर आकाश शर्मा को जब यहाँ रायपुर दक्षिण में एक युवा को टिकट दिया जाता है तो फिर वहां पर आप वरिष्ठों को दरकिनार करने का आरोप लगा देते हैं। मुझे कंप्लीट करने दीजिए। हाँ जल्दी से। राजकुमार पटेल जी बुधनी में 2-3 बार पराजित हो चुके हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जनता द्वारा जिनको बार बार नकारा जाता है ऐसे नेताओं को जनता, तो अब शिवराज जी नहीं है ना, शिवराज जी का ऑरा इतना बड़ा था कि शायद उस वक्त कामयाबी नहीं मिल रही थी, अब उनको लग रहा है कि जब मैदान में शिवराज जी ही नहीं है तो फायदा उठा लिया जाए। नहीं सोची, मैं आपकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन जनता जब नकारे हुए नेता और कार्यकर्ताओं के ऊपर दोबारा नहीं तो सुनील सोनी जी के बारे में इधर रायपुर में कहा जा रहा है कि वो नकारे हैं, निष्क्रिय हैं, कांग्रेस बार बार कह रही है कि निष्क्रिय हैं सुनील सोनी जी। जी जी सुनील सोनी जी के बारे में मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों तक ये जानकारी पहुंचाना चाहूंगा कि वो रायपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष रहे, रायपुर नगर निगम के महापौर रहे, रायपुर से सांसद रहे और अब विधानसभा चुनाव में। कहने का तात्पर्य यह है कि भूपेश तो आपको एक पूर्व सांसद को उतारना पड़ रहा है, आपको यहाँ पर भी तो कोई अच्छा चेहरा नहीं मिला, तभी तो सांसद जी को दोबारा से आपको विधायकी का चुनाव लड़ना पड़ रहा है। पार्टी एक कैडर बेस्ड संगठन है, वहाँ हर कार्यकर्ता की अपनी एक उपयोगिता होती है, संगठन के दिशा अनुरोध के और हमने देखा है। नहीं योगेश जी, हमने देखा भी है और वो हम देख भी रहे हैं विधानसभा चुनाव में भी कैसे सांसद मैदान में आए और उन्होंने पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ा और अब देखिए मंत्री पद भी वो संभाल रहे हैं, पूरी कर्मठता के साथ काम कर रहे हैं। बिल्कुल आपको इसमें अपनी बात रखने की जरूरत नहीं है, दिखाई भी दे रहा है। भूपेश बघेल जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि 35 साल से भारतीय जनता पार्टी रायपुर दक्षिण का। ठीक है मैं आता हूँ बहुत देर से। डॉक्टर शिल्पा फिर करेंगे, डॉक्टर शिल्पा आप सुन रही हैं, लेकिन आप कांग्रेस को लेकर के कहीं अंदर खाने की जो बातें आ रही हैं, नाराजगी की बातें, मैं आपके कैंडिडेट से ज्यादा इस पर जरूर फोकस करना चाह रहा हूं कि रायपुर दक्षिण में प्रमोद दुबे ये क्यों कह रहे हैं कि ना पाने की चिंता है ना खोने का दम है और कह रहे हैं कि जिंदगी का सफर अब सुहाना सफर है, वो क्यों कहना पड़ रहा है, क्यों आपको विजयपुर सीट पर पूर्व विधायक बैजनाथ कुशवाहा को उतारना पड़ रहा है? देखिए कांग्रेस पार्टी एक मजबूत रूप में इस उपचुनाव में सामने आई है। पिछले चुनाव का दौर जैसा भी रहा, कुछ कमियां रही, उन कमियों को फुलफिल करते हुए पूर्णता के साथ में आपस में नेताओं और कार्यकर्ताओं के समन्वय के साथ में आप देखेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में दोनों जगहों में जो दोनों प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी एक पूर्णता और समन्वय के रूप में मजबूत पार्टी के रूप में सामने आई है और इसी का नतीजा है कि अनुभव और युवा नेता दोनों के समन्वय के हिसाब से टिकट वितरण की गई है। कई समीकरण को साधे गए हैं और इन्हीं को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कह सकती हूँ कि कांग्रेस हमेशा मुद्दों की लड़ाई करती है और प्रत्याशी जो उतारे गए हैं उनके दोनों के हिसाब से विजय का परचम मैं आ रहा हूँ, यूरेश जी आ रहा हूँ, कांग्रेस थोड़ा समय मैं डॉक्टर शिल्पा को देने के बाद आता हूँ। कांग्रेस ईमानदारी से कार्य करती है और भारतीय जनता पार्टी का आज भी नहीं वो भी आप देखिए एक परसेप्शन अपनी अपनी जगह पर होता है, लेकिन पार्टी कैंडिडेट और पार्टी की एकजुटता भी बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं बीजेपी इसी बात को सबसे ज्यादा फोकस में रखती है। वो बार बार कहती है कि न संगठन में जान बची है, निष्क्रिय हो चुके हैं और देखिए राजकुमार पटेल जी के बारे में कह रहे हैं कि 2-3 बार नकारे जा चुके, दोबारा फिर आपको देना पड़ रहा, कोई दूसरा आपको चेहरा ही नहीं मिलता। जितनी बातें भारतीय जनता पार्टी कहती थी आज तक, आज वो उनके खुद के पार्टी के अंदर अंतर्कलह में साबित हो गई है, अंतर्कलह दिखाई दे रही है। इनके खुद नेता मंत्री इनकी व्यवस्थाओं से खुश नहीं है। छत्तीसगढ़ में तो मैं ये कहूंगी कि इनके जो नेता हैं वो इनकी जो नीतियां हैं, योजनाएं हैं, उनसे संतुष्ट नहीं है। ये आपस में अंतर्कलह की जो बात करते थे आज इनकी पार्टी में स्पष्ट नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा क्योंकि आज कांग्रेस एक मैं दूसरी तरफ ये कह रहा हूं कि आपको मैंने आप कांग्रेस के ही नेता है ना प्रमोद दुबे, आप तो प्रवक्ता हैं, आपको पता ही होगा, आप तो मिलती जुलती भी रहती होंगी और आपको पता भी होगा कि उन्होंने कल क्या ट्वीट किया है, तो इशारे में अपनी नाराजगी जाहिर की है ना। आपकी अगर बात भी हुई तो पूछा होगा उनसे आपने कि भाई क्या हो गया, आपको टिकट की उम्मीद थी नहीं मिली और आकाश शर्मा को मिल गई, तो आप ऐसा लिखेंगे क्या? देखिए
देखिए दावेदार कई होते हैं, निश्चित रूप से थोड़ी सी मायूसी होती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि वो पार्टी के विरुद्ध कार्य करेंगे। वो अरे ऐसा ऐसे वक्त में अगर ऐसा ट्वीट कर रहे हैं ना तो वो अपने आप ही विरुद्ध चला जाएगा, उनके भी बड़े समर्थक होंगे, वो सीधे सीधे इशारा कर रहे हैं कि भाई सपोर्ट मत करो आकाश शर्मा को। कांग्रेस का सिपाही हमेशा पार्टी के साथ ही रहकर कार्य करता है और समन्वय के साथ। में अभी मैं कह रही हूँ ना कि समन्वय। अच्छा ठीक है, चलिए मैं मान गया, लेकिन विजयपुर में क्या होगा? आप तो बार बार आप कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा था कि पार्टी सिंबल वहां पे बड़ा है, कांग्रेस को जनता स्वीकारती रही। 6 बार ऐसा हुआ जब रामनिवास रावत कांग्रेस के सिंबल से ही जीते, लेकिन अब वहां पर चेहरा बड़ा क्यों दिख रहा है? आज इतना हुजूम दिख रहा था, ऐसा लग रहा था कि रामनिवास रावत का जो अपना एक कैडर बेस है या फिर अपना जो एक समर्थन है वो बहुत ज्यादा दिख रहा था। देखिए अनुभव के साथ, और उधर आपको दूसरी तरफ मुकेश मल्होत्रा के साथ साथ बैजनाथ कुशवाहा जी को भी साइड से फॉर्म भी भरवाना पड़ रहा है। देखिए सब कुछ समीकरणों को साधते हुए कांग्रेस अपने प्रत्याशी का समन्वय के साथ बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं से प्रसंग लेकर ही प्रत्याशी का चयन करती है। तो आज के प्रसंग में, आज के परिदृश्य में यही दिखाई देता है कि जो सबसे दमदार प्रत्याशी है, जो जीतने लायक प्रत्याशी है, उन्हीं को टिकट दी जाती है। तो सभी समीकरणों को साधते हुए मजबूती के साथ कांग्रेस आगे बढ़ रही है और मुद्दे तो कांग्रेस के पास कई नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि रामनिवास रावत का आज दम दिखा रोड शो में, क्या इससे आपको लग रहा है कि उनकी दावेदारी और मजबूत है या फिर मुकेश मल्होत्रा के अंदर वो दम, या फिर वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है आपको दावेदारी की वो जीत सकते हैं? देखिए जनता का रुझान सिर्फ मतदान और मतदान पत्र में, ठीक है, ठीक है योगेश जी, देखिए डॉक्टर शिल्पा ने तो अपनी बात रख दी कि वो हर लिहाज से बेहतर कैंडिडेट चुनने के बाद ही वहां पर। आपको लग रहा है कि अभी कोई स्कोप है या फिर कांटे की टक्कर दिख रही तीनों सीट पर? देखिए मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मुझे शिकायत है काफी लोगों को आपने समय दिया लेकिन मुझे समय नहीं। नहीं नहीं आपको भी दिया पूरा। देखिए सुनिए पूरी, हाँ। तो आप मेरी बात बीच में काट दे, ये मैं क्षमा के साथ आपसे कहना। नहीं लेकिन मैं मुझे दोनों आपने देखा होगा तो शिल्पा जी के साथ भी मुझे मजबूरी के साथ टाइम को भी मैनेज करना है, लेकिन ठीक है अब अपनी बात रखें, अपनी बात रखें। मध्य प्रदेश के संदर्भ में ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि बुधनी उपचुनाव और विजयपुर उपचुनाव के परिणाम के बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी की रवानगी तय है। प्रमाण के तौर पर जिस हिसाब से एक हफ्ते से विवेक तनखा जी को हाईलाइट किया जा रहा है, निश्चित रूप से क्या संभावित प्रदेश अध्यक्ष वो है? तो कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। 29-0 लोकसभा चुनाव का परिणाम मेरी बात को प्रमाणित करता है। भाई रायपुर टाउन जो रायपुर दक्षिण है वर्तमान, वहां हम 35-40 साल से लगातार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। भूपेश बघेल जी और टीएस सिंहदेव जी के बीच में जो मतभेद उनके कार्यकाल के बीच में रहे और उसका नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया है। मैं क्योंकि समय थोड़ा कम है तो जल्दी से जवाब भी ले लेता हूं। अगर डॉक्टर शिल्पा ये बड़ी अहम बात कह रहे हैं और हम देख भी रहे हैं कि दिग्विजय और कमलनाथ जी को दोबारा एक्टिव भी किया गया है, विवेक तनखा भी ज्यादा पिक्चर में दिख रहे हैं, यही पर तो इनका अंतर कलह सामने आता है कि इनके पास कोई प्रत्याशी नहीं है, कोई नए चेहरे नहीं है। और जिस जिस प्रकार से आरोप लगा रहे कांग्रेस पर, वो पुरानी बातों को कितना भी बार बार कहेंगे तो झूठ बात बोलने से सच नहीं हो जाएगी। राजकुमार पटेल को 3 बार नकार दिया गया है, राजकुमार पटेल जो प्रत्याशी है आपके बुधनी से, उनको जनता 3 बार सिरे से पराजय का स्वाद चखा चुकी है। छत्तीसगढ़ में जो सरकार 10 महीने की हुई है और मध्य प्रदेश में सपा गठबंधन, सपा गठबंधन ने बुधनी क्षेत्र में अपना प्रत्याशी उतारा है, हार के नेता मंत्रियों को संतुष्ट तो जो तथा कथित हिंदी गठबंधन है उसकी हवा। ठीक है ठीक है ठीक है, कुल मिलाकर के दिख रहे हैं। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बात कही भी कि सपा का भी कैंडिडेट आखिर बुधनी में क्या कर रहा है, क्या आपको ये नुकसान नहीं पहुंचाएगा बुधनी में? हाँ लेकिन हिंदी गठबंधन का क्या होगा? बिल्कुल, मैं इसका जवाब सत्यप्रकाश सर आपसे लेना चाहूंगा आखिरी रिएक्शन के तौर पर। किसा देखिए अपनी अपने दावे भी है और कहीं ना कहीं अंतरकलह भी, असंतोष भी है, लेकिन उससे कौन कितने अच्छे तरीके से मैनेज कर पाता है, उबर पाता है, मुझे लगता है सबसे अहम यही होता है। इसमें कौन आगे दिख रहा है? देखिए एक महत्वपूर्ण चीज बताऊं, आपको याद होगा 2009 का जब लोकसभा इलेक्शन होंगे, विदिशा से कांग्रेस ने बी फॉर्म राजकुमार पटेल को बीजेपी की कैंडिडेट सुषमा स्वराज के अगेंस्ट दिया, लेकिन उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया क्योंकि उन्होंने ओरिजिनल कॉपी जमा नहीं।
तो वो कांग्रेस के कहीं ना कहीं घेरे में आ गए, कांग्रेस ने उनको एक्सपेल कर दिया फॉर 6 इयर्स। एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब आप देखिए इससे क्या हुआ कि कहीं ना कहीं शिवराज सिंह चौहान हैज बीन ए क्लोज एसोसिएट टू सुषमा जी। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान एक ही कम्युनिटी के हैं और राजपूत, ठीक है सर, तो इन दोनों के क्लोज रिश्ते होने के कारण ये माना जा रहा था, कांग्रेस का ये आरोप भी उस समय रहा, ठीक है, इस राजकुमार पटेल ने जानबूझकर ऐसा एक्ट किया था। इस चुनाव में एक चीज देखने को मिल सकती है बहुत महत्वपूर्ण चीज, तो हो सकता है किरार कम्युनिटी एक हो जाए। जी हाँ, तो अब ये देखना होगा, लेकिन अपने अपने समीकरण तो है, और अब ये जो कांटे की टक्कर है वो साख का सवाल भी दोनों ही पार्टियों के लिए, अब देखना होगा कि कौन इसमें जीत दर्ज करता है। समय की अब पाबंदी है इसलिए आगे नहीं बढ़ पा रहे, आप सभी हमारे साथ जुड़े चर्चा में शामिल, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त एक छोटे से ब्रेक का भी हो चला, बने रहिएगा न्यूज़ स्टेट के साथ।